दोस्तों बात करें डबल डेकर ट्रेन्स की, तो क्या आपको पता है कि भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी? जी हाँ, हमारे देश की पहली नॉन एसी डबल डेकर ट्रेन थी फ्लाइंग रानी, जो शुरू तो हुई थी 1906 में, पर 1979 से इस ट्रेन में डबल डेकर कोचेस का इस्तेमाल किया जाने लगा। आइए फिलहाल चलते हैं फ्लाइंग रानी के अंदर और देखते हैं कि देश की पहली डबल डेकर ट्रेन जो थी उसका जो इंटीरियर है वो कैसा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सीट की अरेंजमेंट है वो 4 और 1 के फॉर्म में है, मतलब एक तरफ 4 लोग बैठ सकते हैं और दूसरी तरफ 1 लोग, और ये सेम अरेंजमेंट जो है वो ऊपर और नीचे दोनों डेक के लिए है। डबल डेक होने से एक बार में ज्यादा यात्री ट्रैवल कर सकते हैं और यही एक मेन रीजन था डबल डेकर ट्रेन्स के शुरू होने का। इसके बाद अक्टूबर 2011 में इंडिया की पहली एसी डबल डेकर ट्रेन की शुरुआत हुई, जिसमें LHB कोचेस का इस्तेमाल हुआ, जिसको रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बनाया गया था। देश की पहली एसी डबल डेकर ट्रेन को हावड़ा से धनबाद के लिए चलाया गया था, पर सबसे बुरी बात यह है इस डबल डेकर ट्रेन की कि उस रूट पे ये ट्रेन बहुत ही असफल रही और महज 3 साल के अंदर ही इस डबल डेकर ट्रेन को बंद कर दिया गया। डबल डेकर होने के कारण से नॉर्मल कोचेस के मुकाबले ज्यादा पैसेंजर जाहिर तौर पर एक बार में अकोमोडेट हो सकते थे, पर एक्स्ट्रा लोड ज्यादा होने के कारण इनकी जो स्पीड थी उसको कम किया गया था। हालांकि ये कोचेस 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल सकते हैं, मगर नॉर्मली डबल डेकर ट्रेन्स को 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद जून 2018 में डबल डेकर ट्रेन्स को एक नया रूप दिया गया और कुछ और सुविधाएं प्रदान की गई और नाम रखा गया उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस, यानी कि उदय एक्सप्रेस। देश की पहली उदय एक्सप्रेस को बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चलाया गया था और इस ट्रेन में मैंने भी यात्रा की हुई है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आइए अब आपको साइड बाई साइड उदय और नॉर्मल डबल डेकर ट्रेन का इंटीरियर दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी उदय एक्सप्रेस का जो इंटीरियर है वो किस तरह का है। सीट आप देख सकते हैं बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ही, पर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है। अगर आप ऊपर हेड स्पेस पे ध्यान ना दें तो उसका जो इंटीरियर है वो बिल्कुल शताब्दी की तरह ही दिखता है। उदय एक्सप्रेस में मौजूद ये डाइनिंग कार बाकी के जो डबल डेकर ट्रेन्स हैं उनको इससे काफी अलग बनाती है। तो दोस्तों ये है मेरे सामने उदय एक्सप्रेस जो कि डबल डेकर ट्रेन है और ये है एक नॉर्मल डबल डेकर ट्रेन। तो आइए देखते हैं कि उदय और नॉर्मल डबल डेकर में क्या डिफरेंस है। ये है डबल डेकर का जो अपर डेक है वो, और आप देख सकते हैं इसके जो चेयर्स हैं वो कैसे हैं, कुशनिंग कैसी है, और इंटीरियर भी आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटीरियर है वो कैसा है। आइए अब चलते हैं लोअर डेक में और देखने की लोअर डेक का क्या हाल है। थोड़ा कंजेस्टेड लगता है मेरे को ये इन कंपेयर टू उदय। उदय बिल्कुल बाहरी खड़ी आप देख सकते हैं। आइए लोअर डेक में चलते हैं। तो ये है लोअर डेक और बात करें लेग स्पेस की तो ये लेग स्पेस आपको मिलता है। आइए आपको ट्रेन का जो वॉशरूम है वो आपको दिखाते हैं कि जो डबल डेकर है नॉर्मल उसमें जो वॉशरूम्स हैं वो कैसे हैं। तो ये रहा डबल डेकर का वॉशरूम। तो दोस्तों आज मैंने आपको हर तरह की जो डबल डेकर ट्रेन चलती है हमारे इंडियन रेलवेज में सबके दर्शन कराए हैं। बाकी अगर आपने कभी भी डबल डेकर ट्रेन्स में यात्रा की है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। बाकी हेडस्पेस कम होने से मुझे डबल डेकर ट्रेन्स में यात्रा करना थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है। बाकी अगर आपने भी यात्रा की हुई है डबल डेकर ट्रेन्स में तो आप मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको डबल डेकर ट्रेन्स की अच्छी बातें क्या लगती हैं और बुरी बातें क्या लगती हैं। और दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर से कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं जो चीज़ें यहाँ अपलोड नहीं कर पाता वो वहाँ ज़रूर से करता हूँ। फिलहाल थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।